नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अखिल गुप्ता। टीम इंडिया 12 साल बाद इतिहास रचने से बस एक कदम दूर है। रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भिड़ने जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। 140 करोड़ देशवासी तीसरी बार टीम इंडिया को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते हुए देखने के लिए बेताब हैं। देश भर में भारत के चैंपियन बनने के लिए दुआओं का दौर जारी है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, हर जगह टीम इंडिया के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं। लेकिन इस बीच टीम इंडिया की जर्सी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वैसे तो टीम इंडिया की जर्सी ब्लू है, लेकिन इस वर्ल्ड कप के दौरान प्रैक्टिस सेशन और ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी भगवा रंग की जर्सी में दिख रहे हैं। अब फाइनल मुकाबले से एन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इसे लेकर आपत्ति जताई है। अभी तो सब गरुआ बना दिया। वी आर प्राउड ऑफ योर इंडियन प्लेयर्स एंड आई बिलीव दे विल बी द चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड कप चैंपियन। उसको भी और गरुआ बना दिया। उसको ड्रेस जब प्रैक्टिस करते हैं गेरुआ बना दिया। ममता बनर्जी ने सीधे मोदी सरकार पर क्रिकेट का भगवाकरण का आरोप लगाते हुए कहा, जर्सी का भगवा रंग उनका एजेंडा है। वे पूरे देश को भगवा रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने न केवल क्रिकेट टीम की जर्सी में बल्कि मेट्रो स्टेशन की पेंटिंग में भी भगवा रंग जोड़ दिया है। ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी की ओर से तुरंत पलटवार आया। बंगाल बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने कहा, कुछ दिनों के बाद वे सवाल कर सकती हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भगवा रंग क्यों है। हम ऐसे बयानों पर प्रतिक्रिया देना भी उचित नहीं समझते। ये कोई पहली बार नहीं है जब टीम इंडिया की जर्सी को लेकर विवाद हुआ हो। इससे पहले साल 2019 में भी भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी को लेकर खूब राजनीति हुई थी। तब टीम इंडिया की जर्सी में नीले रंग के साथ भगवा कॉम्बिनेशन था। तब भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर क्रिकेट के भगवाकरण का आरोप लगाया था। हालांकि तब सिर्फ एक मैच के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी तैयार की गई थी। दरअसल जून महीने की 30 तारीख को भारत और इंग्लैंड का मैच था। दोनों ही टीमों की जर्सी का रंग करीब करीब एक जैसा था। ICC के नियमों के मुताबिक एक मैच में एक जैसे रंग की जर्सी पहनकर दो टीमें नहीं उतर सकती। ऐसी स्थिति में एक टीम की जर्सी का रंग बदला जाना चाहिए। मेजबान टीम को अपनी पूर्व निर्धारित रंग की जर्सी पहनने की अनुमति होती है। ऐसे में मेहमान टीम को अल्टरनेट जर्सी में उतरना पड़ता है। ऐसे में सिर्फ उस मैच के लिए भारत की अलग जर्सी डिजाइन की गई थी, जिस पर खूब हाय तौबा मचा था। बाद में उस साल के वर्ल्ड कप मुकाबले में भी टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ इसी जर्सी में उतरी थी। तब बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों को भी अपनी जर्सी में कुछ बदलाव करना पड़ा था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज को जर्सी बदलने की नौबत नहीं आई, क्योंकि इनकी जर्सी का रंग बाकी टीमों से काफी अलग था। अब एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी को लेकर विवाद है, वो भी वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले से ठीक पहले। आपको बता दें कि ये चौथी बार है जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है, जहां फाइनल में टीम का सामना 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से है। साल 2003 के फाइनल में भी दोनों टीमों के बीच टक्कर हुई थी, लेकिन तब भारत कप उठाने से चूक गया था। लेकिन इस बार टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में अजय है और हौसले पहले से कई ज्यादा बुलंद हैं। ऐसे में पूरे देश को उम्मीद है कि 1983 और 2011 वाली कहानी 2023 में भी दोहराई जाएगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। We'll be right back.